भैया रो राम राम, हमें बुंदेली चुगली से वेदराज नीरज। भैया इसे वेद बन गया कि चुगली आकर वेद ही बनने आ, हम में कहीं ना थी, पाँव गरम पेट नरम और सर ठंडो, हम जब तक ना आदमी को कर दें तब तक हम न मानी, कहा से आदमी के पाँव चलो बंद होगा तो ठंडे हो गए, पेट कड़क होगा साफ ही नहीं हो रहा, मूड सुतनो गर्म रात के चारी पे जलना पड़ा जैसा संजू। सो हम भैया पेट जब तक आदमी को नरम ना कर दे, पाँव गर्म ना कर दे, मूड ठंडो ना कर दे तब तक ना मानी। सो ई बार की जो अपनी पूरी बातचीत है वह बतकाओ ई बात के लेके होने कि हमें आंखन के रोग बता रहे थे, अब बचे नाक कान और दांतन के, कहा से दांत सड़न लगे आदमी को, गुटखा खास मानते नहीं है, कानन में अलग अलग पड़ा रहा, कहा से कान तो साफ ही नहीं करता आदमी भूले ही गो, और नाक के भी समस्या आदमी के होते हैं। सो जो तीनों रोग की हम बात करें उनके पहले हम केवल बता रहे हैं पेट की जो बात है कि पेट के साफ करने की समस्या आदमी के जीवन में हो गई, पेट साफ होते ही नहीं आदमी को, कहा से चलो फिर वो बंद कर दो तो पेट कड़क रहा लगो, तो ई के लाने हमारी पूरी संस्कृति में आयुर्वेद सब में उपवास की एक विधि आई है, उपवास आदमी करे और किताबों में इन्होंने सब कुछ लिखा कि उपवास अगर आदमी करे तो चीजें का हो, तो उपवास करने की कुछ नियम रहे हैं, उपवास इसे कर जाए कि जब आदमी उपवास रात है तो उनको मल कड़क कड़क हो जाए, कहा से नव मल मनंत नहीं हो तो पुरानो मल पड़ पड़ो कड़क हो जाए, क्योंकि निकालने की प्रक्रिया में बहुत अच्छे से करी जा सका थे। तो ई के लाने मल शुद्धि के लाने, मल द्वार की शुद्धि के लाने सबसे अच्छे, कहा से जाकर शुद्ध हो गई, आंतें शुद्ध हो गई अपनी शरीर की, तो आदमी को पूरा शरीर अच्छा हो जाए, हल्को हो जाए। तो ई के लाने के उपवास अगर आदमी करे तो उपवास जैसे दो दिन करो, मान चलो जो दिन उपवास करो तो उपवास छोड़ने के बाद कछु ना करे आदमी, मूंग को पानी मूंग दाल को अक्का करके उपवास छोड़ो, और दूसरे दिन लगे पनीर खा ले खिचड़ी के जो खा ले वो खा ले सत्यानाश कर लेता आदमी। तो सबसे अच्छा उपवास के दूसरे दिन हल्को खाना खाओ चाहिए आदमी के, मूंग की दाल खिचड़ी हल्को फुल्को, जैसे बीमारी हो है ना चावल ही खा सकत, इसे कहा है कि सामान्य रूप से पेट साफ हो जाए। और रोग की शुरुआत ही देखो कौन भी रोग की हो तो आदमी के यही दवाजात भैया तुम जो खाओ दाल को पानी पियो, मूंग की संगे रोटी खाओ, चावल खाओ है ना, दही खाओ, जो सब बताओ जा। अच्छा कछु जो भी लाभ औषधि भी लेने हो पेट साफ कराने तो भूखे पेट लो, खाली पेट लो, बड़ी बड़ी लाभदायक होते आदमी कराने तो बहुत अच्छे से चीज़ें हो जाती। हम आगे चीज बताते रहे लेकिन हम जो और चीज़ें चाह रहे पेट सफाई तो हम करा के रहे मानवीन आदमी की, तो जे हम बताते रहे भी लेकिन ई के पहले आज जो उपाय की बात करने बा हम जरूर देख ले। आज चिन्ह लगाए था रहते कि अभी ये जो नाक आँख आदमी की नक्सार होने लगत नाक चौन लगत, इनके लेके हमारे पास है कछु उपाय। पहला प्रयोग है कि तवा हो तो तवा में फटकरी डाल दो तो फूलिया हुआ, तो तवा में फुलाई फटकरी पानी मिला के और उसकी कछु बूंद है, दूबा हो दूबा के रस या नेवोली के तेल, नीम की नेवोली उसके तेल में कछु बूंद है मिला के नाक में डालने से जो नक्सार हो जाता ना आदमी के नक्सी खून लगते हैं कछु उनमें लाभ होते हैं। हरो आंवला को रस 10 से 50 मिलीलीटर और 2 ग्राम से लेकर 10 ग्राम मिश्री मिला के पीवे से पुरानों से पुरानो नक्सीर हो तो वे लाभ होते हैं। ताजी धनिया को रस 2-4 बूंदें नाक में डालवे से या सिर में लगावे से भी नक्सीर और नाक से जुड़े रोगन के लाभ होते हैं। आम की गुठली के अंदर को बीज को 2-4 बूंदे को रस मतलब कि रस निकाल के 2-4 बूंदे नाक में डालने से भी लाभ होते हैं। अच्छा के नाक की हड्डी बढ़ने लगा तो परेशान हो जाता आदमी, तो ऊके लाने भी है ऑपरेशन बिल्कुल ना करा, उम्र आदमी की बहुत बड़ी दशा हो जाए। ऑपरेशन समाधान नहीं होते एक नव रोग और पैदा कर ले, सबसे अच्छो का करे कि उपवास करो, सर्दी जुकाम की जो चिकित्सा हो तो 2-3 महीने तक करत रहो, आदमी की उम्र आराम हो हड्डी बढ़ो रुक जाए। कान के रोगन की हम बात कर ले, कान में कही के मवाद आने लगा तो ऊके लाने प्रयोग बताओ गए है, सुहागा हो तो फुला के पीस के कान में डालने से और ऊपर से नींबू के रस की बूंद डालने से मवाद निकल वो बंद हो जाए। सुहागा हो बोले सोने पे सुहागा, उस सुहागा के फुला लो पीस के ऊको रस और नींबू को उगे और नींबू के रस में मिला के कान में डालने से मवाद निकल वो बंद हो जाए। अगर सर्दी कभी मवाद है सर्दी मिटाने मवाद या सर्दी से भी कछू आ जाता ना गंदगी आने लगा मवाद सी आने लगा तो एक सरी वादी वाटी आउट है उसकी 1 से लेकर 3 गोली 2 बार त्रिफला और उमें कछू मिला के खा लो तो भी सही हो जाए। जितने उपाय हैं उन्हें
ये तो फिर आयुर्वेद की दुकान पर चले, डॉक्टर दिखा लेंगे घरेलू उपचार करने। हम जरूर बताएं, शुद्ध सरसों को तेल या तिल को तेल, तिली को तेल और लहसुन की कलियों में पकाओ, फिर दो एक दो बूंद सुबह शाम कान में डाल, वैसे भी फायदा होते हैं। लहसुन न डाल रही हो, तेल डालने वो बस। बैरोपन आदि का कम सुना लगा सही है, तो दसमूल होते अखरोट होते और कड़वी बादाम को तेल की बूंदे कान में डाल, वैसे बैरोपन आदि को कम हो जाता। ताजो गौमूत्र में एक चुटकी सेंधो नमक मिला के रोज कान में डालने से 8 दिन में बैरोपन के फायदा होते आदमी के। करेला के बीज और कालो जीरा समान मात्रा मिला के पानी में पीस के इको रस बना और 2-3 बूंद कान में डालने से इके भी फायदा होते बहरेपन के लाने। कम सुनाई देते तो कांच में पंचगुण तेल की 2-3 पंचगुण तेल आते 3-3 बूंदे 2-3 बार डाल, वैसे भी ठीक ठाक होते भैया। जो कान में दर्द हो तो गिलाने भी समस्या है अगर को के कान में, तो अदरक को रस डाल, वैसे कान को दर्द बहरोपन और कान के बंद होवे में भी लाभ मिलते हैं। कान में आवाज़ होवे से मतलब आवाज़ सन्निकिनिया लगत, तो लहसुन और हल्दी को एक रस करके 100 बना के कान में डाल, वैसे लाभ होते। अपने घर की रसोई में भैया सब कुछ घुसो लेकिन देखते नहीं है, आदमी बस छौंका लगा के खाबो चटकारे लेके जाना तो बीमार हो जाना। कान में कीड़ा का चलो जाए तो दीपक हो ना दिया, घर दिए जला ऊपर नीचे जमो हुआ तेल है या शहद या अरंडी को तेल या प्याज को रस कान में डालो तो कीड़ा निकल जाए, बिल बिला के कड़े ससुर के लगन मर न जाए। तो एक जो बहुत अच्छा प्रयोग है, करंडी को तेल या प्याज को रसती तो कान में डाल दो या शहद डाल दो, सट से सारो कड़िया है। कान के जो सामान्य रोग है तो सरसों को तेल तुलसी के पत्ता डाल के धीमी आँच में रख लो और ऐसा तेल बना लो और बस उतार के छान को पत्ता अलग करके छान लो और बस में 2-4 बूंदे डालत रहो तो कान के सामान्य रूप से कौन आदमी की बीमारी कम हुई ही ना, जो बात गांठ के रख लो। दांतन के जरूर रोग है, दांतन में आदमी की एक तो लगरिया लग रहा हो कि गुटखा खान है, दतौन करो भूल गो, बड़े बड़े पेस्ट कर लो जो कॉलगेट जोगेट बोगेट और इतने गेट खोल दे दांत निकाल निकाल के कि आदमी को फुक्का हो जा, कि चुम्मा ले तो ऐसा हो जा, सीटी में तो फुस्त खड़े से बोले ही नहीं बहुत और लबरों अलग बोले लगत मुलायम सिंह यादव जैसे। सो दांत को भैया हिफाजत करो बहुत जरूरी, अगर मुस्कुराओ खिलखिलाओ तो खेलें तो, अब दांत निकाले और मन तुम्हारी कहीं दो कड़िया कट चिंगू चोर खाएं तो अच्छे थोड़ी लगा, या CSP जैसे हमारे कड़िया है तो वैसे ना करो। जीवन में दांतन की सेहत पूरे मुँह की सुंदरता आदमी की अच्छी होती, और दांत बिगड़ रहे तो आदमी की बड़ी दशा हो, ऐसे खड़े हुए ऐसे कर ले ऐसे कहाँ भैया ऐसे काय काट रहे गलत हो, व्यवस्थित रखो। आदमी हिफाजत नहीं कर रहा दांतन की तो डॉक्टर के धंधे चल रहे, सो हम डॉक्टर की दुकानें बंद नहीं कर रहे लेकिन घर है आदमी कर सका छोटे छोटे उपाय। नींबू का छिलका हो तो ये थोड़ा सा सरसों के तेल में डाल के दांतन के मसूड़े में घिसे से दांत सफ़ेद हो जाए, चमकदार हो जाए और मसूड़े भी मजबूत होते। और नीम की दतौन तो कर लो तो इसे चकचु है ही नहीं है। दूसरा प्रयोग है नीम दतौन की, और जी दतौन ही वाल वाले प्रयोग दतौन कर लो तो इसे चकचु है ही नहीं। दूसरा प्रयोग है, तीसरा है जामफल के पत्ता हो तो जामुन के पत्ता ये चबा कर एक रस मुँह में फैला कर थोड़ी देर तक रस के बाद थूक दो। जामफल मतलब हमारे कहते बीही का कहो जाए, बीही के पत्ता चबा के मुँह में कछु दिल थूक दो तो मुँह की दुर्गंध मसूड़न से खून आ वो दांतन को दर्द ठीक हो जाए। डांक और दर्द आदमी के जरूर खूब पीना थे, ई को जरूर हम उपाय बता रहे हैं। कपूर की गोली या फिर लौंग या सरसों को तेल या जो बरगद वृक्ष को दूध रात ना दूध उमे रुई में भिगो के फुआ ले हो, या घी में तली भाई हींग को टुकड़ा डाँड के नीचे रखे से फुआ को आराम मिलता है। कपूर की गोली या तो रख लो या लौंग या सरसों को तेल फुआ में रख के रख लो या बरगद को दूध को फुआ भिगो के रख लो रुई को या फिर घी में तली भाई हींग को टुकड़ा डाँड के नीचे रखे से दर्द के आराम मिलता है। त्रिफला को काढ़ा बना के उसके कुल्ला करवे से भी लाभ होता है और गर्म पानी में नमक मिला के कुल्ला करवे से भी लाभ होता है। मसूड़ा में सूजन आया तो जामुन को जो पेड़ रात उसकी छाल निकाल के उसको काढ़ा बना के कुल्ला करवे से दांत के मसूड़े और सूजन उजन दूर हो जाए तुकी। दांतन में खट्टो खट जम जाए कचियन के मिलकर ऐसी खट जम जाए तो उगला तिली को तेल में पीसो नमक पीसो हुए मिला के उंगली से दांतन रगड़ से साफ हो जाए, दांत झक से झकास हो जाए।
हुआ का दांत टूट फूट जाए, उल्टे सीधे टेढ़े वेढ़े हो जाए, तो जो है कि ही केला रहे मसूड़न की मार साथ नहीं करें तिली के तेल से हाथ की अंगुली से लेके वो की अगर बार बार वो कर रहे हो तो उनमें बहुत अच्छे प्रयोग हैं। खून आ रहा हो पाई दिया हो तो नमक में पानी के कोल्ला करवे से या कत्था या हल्दी को चूरन से चूरन लगावे से भी दांतन को पान खून आ वो बंद हो जाए। पाई दिया में एक चीज़ और कर जाए कि नीम के पत्तन की राख बना लो जला के और कोयला के चूरा और कपूर मिला के रोज रात में सोवे से पहले उगे अच्छे दांत से मंजन से कर लो तो उगे लाभ होते। दूसरा एक और है सरसों के तेल में शहद और नमक मिला के दांतन में लगावे से जो दांत में जो दुर्गंध आने लगत ना गंदगी या खून आने लगत तो जो बंद हो जाए दुर्गंध बंद हो जाए तो जो जड़ से फायरिया ख़त्म हो जाते जो एक अच्छी चीज़ है। या इसके अलावा त्रिफला भी है, त्रिफला 3 ग्राम इसको सेवन रोज अगर आदमी करे रात में तो भी दिक्कत नहीं होते। मंत्र भी है, अगर ढाण में दर्द हो रहा तो मंत्र में ओम नमो आदेश गुरु का बन जाए, कोई व्याधि अंजनी का जय जीव हनुमंत्र कीड़ा जी इतने सारे मंत्र हैं, मंत्र से लेकर आदि का है तंत्र के यंत्र के योग में मंत्र के मानते ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जो है क्या गन्ना मौ से छील के करो, दतौन करो, अखरोट अखड़ो फोड़ो मौ से, मूँगफली कुरकुरा चना कुरकुरा मजबूती है। दांतन के भी एक्सरसाइज चाहने भैया काहे आदमी ने पिज्जा खाने कच्चा से दबा दो, ब्रेड खाने ऐसे मुलायम मुलायम पनीर खाने सो दांत काहे मजबूत है ऐसे है सारे पहले खा तो आदमी जब गन्ना छीलो जब दतौन रगड़ी जब जौ रगड़ो तो देखो दांत ऐसे मजबूत होते आदमी और जिए काट का तो पौध को मांस न करे तो इतने मजबूत होते चाहे ऐसी हिसाब से कोई भी पूछ ले छतरपुर की। खैर ये अनंत बात है, अनंत हंसी मजाक सब चीज़ें हैं और यही हम हंसतो हंसत खिलखिलात बुंदेलखंड है कि कौन बात मजाक से कह दो और है ना कनवा से कनवा जा काओ कनवा जाए रूट और धीरे से पूछ लो भैया कैसी गई थी फूट। सो जो हम बुंदेलखंड है बड़ा हंसतो हंसत खिलखिलात है कि चारी की भाज लो चारी से प्यार से उनसे कह दो दद्दा माफ़ कर देगी। चलो ठीक है हम ले रहे फिर हम आए नए कछु ऐसे उपाय के संगे कि आज इनको स्वास्थ्य सुंदर काया सुंदर जीवन मिले और उनको जीवन अच्छा हो जाए बस। भैया राम राम बुंदेली चुगली की टीम के संगे हमें वेदराज नीरज।